दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे सीक्रेट और टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिसको अगर आप सीख लेंगे तो आप घर पर ही हलवाई जैसे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। तो आइए, सबसे पहला स्टेप जो है हलवाई जैसे समोसे बनाने के लिए वो है समोसे का आटा लगाना। तो समोसे का आटा लगाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे। इसमें हम इस तरह से आधा चम्मच अजवाइन इस तरह से क्रश करके डालेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे और डालेंगे इसमें 4 बड़े चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज किया है। कुकिंग ऑयल डालने से जो है समोसे जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हमें इस सबको अच्छे से मिक्स करना है। पानी डालने से पहले हमें इस तरह से इसे अच्छे से मसल मसल के गूंदना है। अब हमें इसे गूंदते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये इस तरह से बनने लग जाना चाहिए। अब दूसरा सीक्रेट ये है कि हमें इसे गूंदने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और ठंडे पानी का यूज करना है। मैंने यहाँ पर 1/4 कप जो है वो पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। समोसे का आटा लगाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिए कि समोसे का आटा जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता। हमें इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना, कम पानी का यूज़ करके हमें इसका आटा लगाना है। हम इसमें फिर से 1/4 कप के करीब पानी डाल रहे हैं और इसे इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए इस तरह से। अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब पानी डाल देंगे और इसे गूंदेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैदा जो है वो इकट्ठा होने लग गया है। अब हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किए बिना ही आटे को लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस तरह से बाउंसी होने लग गया है, वापस आ जाता है जैसे हम इसको दबाएं तो अपनी शेप में वापस आ रहा है। तो इसका मतलब है ये पहले से थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे एक गीले कपड़े से ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए इस तरह से रख देंगे। अब जब तक ये आटा तैयार होगा तब तक हम समोसों के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू लिए हैं। हमने 6 से 7 मीडियम साइज के आलू ले लेने हैं। दूसरी टिप यही है कि आप समोसे बनाने के लिए ठंडे आलूओं का यूज करें और उसे उबाल कर रात भर फ्रिज में रख दें। और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब सौंफ को क्रश कर लिया है। अब हम इन आलूओं को छील लेते हैं। इस तरह से हमने सारे आलूओं को छील लिया है। अब हमने आलूओं को मैश नहीं करना, हमने इसे इस तरह से मोटा मोटा तोड़कर यूज़ करना है। तो इस तरह से हमने स्टफिंग के लिए आलूओं को मोटा मोटा तोड़ लिया है। आइए अब स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब तेल। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। जैसे तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। हींग के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा और इसे सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद इसमें डालेंगे अदरक की पेस्ट और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल कम कर देंगे। कम फ्लेम पर इसे थोड़ा सा भूनेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब अदरक की पेस्ट ली है। बिल्कुल कम फ्लेम पर 1 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च के साथ हम इसमें डालेंगे मटर। मैंने यहाँ पर उबले हुए मटर यूज़ किए हैं, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। मटर के साथ हम इसमें डाल देंगे काजू। काजू जो है वो पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो काजू के साथ इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे क्रश की हुई सौंफ और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम जो है अब हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। 3 मिनट तक भूनने के बाद हम गैस का फ्लेम फिर से कम पे कर देंगे और हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। डालेंगे इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च, 1/2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे इस तरह से हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर देना है। साथ ही हम इसको इस तरह से मैश करते रहेंगे
और मैश कर करके हमें इसे मिक्स करना है, क्योंकि हमने आलू में नमक डाला है तो वो पानी छोड़ने लग जाएगा, जिससे कि आलूओं को मैश करना जो है वो इजी हो जाएगा जैसे जैसे आलू गर्म होंगे। 10 मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग बनकर ये तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। ढके हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस कपड़े को हटाकर देखते हैं और आटे को मस लेंगे अच्छे से और इस तरह से मसल मसल के इसका एक डो बना लेंगे। तो ये देखिए किस तरह से ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये हमारा समोसे के लिए डो बनकर तैयार है। अब हम इसको इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेंगे इसकी। तो इस तरह से करने के बाद हम इसको इक्वल साइज में कट कर लेंगे। और इनके बॉल्स बना लेंगे। अब हमने ये जो पेड़ा लिया था इसे हमें बेलना है। ट्राई कीजिए कि इसे लंबा ही बेलें। हलवाई जैसे समोसे बनाने के लिए इसे लंबा बेलें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे लंबा बेल लिया है। इस तरह से लंबा बेलने के बाद हम चाकू या पिज्जा कटर की हेल्प से इसे बीच में से काट लेंगे। तो ये हमारे एक समोसे की शीट बनकर तैयार है। अब हमें समोसे के सारे कॉर्नर्स पर पानी लगा देना है और इस तरह से इसे हाफ में लेके आना है और इधर से भी इसे हाफ में लेके आना है। यहाँ से इसे इस तरह से दबाकर इसे ऐसे प्रेस करते हुए यहाँ पे सील कर देना है। इसे अंदर से भी इस तरह से प्रेस कर दीजिए ताकि ज्वाइंट से ये ज़्यादा मोटा भी ना हो और अच्छे से सील हो जाए। अब हम इसमें स्टफिंग को भरेंगे। समोसे बनाते टाइम ये ध्यान रखिए कि हमें स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरनी, वरना समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह से स्टफिंग भरने के बाद ये सेंटर पॉइंट को हम इस तरह से चिपका देंगे और इस तरह से सारी साइड से इसे सील कर देंगे और इधर से इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए ये कितना अच्छा समोसा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह हम बाकी सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम दूसरी शीट लेंगे और उसके कॉर्नर्स पे पानी लगा देंगे। तो इस तरह से हमने सारे समोसों को तैयार कर लिया है। अब हम इसको इसी तरह रूम टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट तक पड़े रहने देंगे ताकि जिन कॉर्नर्स को हमने पानी से सील किया है वो अच्छे से सील हो जाएं और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अब हमने तेल को हाई फ्लेम पर गरम कर दिया है। अब हम इसमें इस तरह से थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे। देखिए जैसे कि ये ऊपर आ चुका है इसका मतलब है कि तेल गरम हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और बिल्कुल कम फ्लेम पर हमें सारे समोसों को फ्राई करना है। अगर हम हाई फ्लेम पर इसे गरम करेंगे तो इसमें बबल्स आ जाएंगे। हमें इसमें उतने समोसे डालने हैं जितने इसमें आ सकें ताकि सारी तरफ से हीट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। बीच बीच में हम इसको इस तरह से पलटते रहेंगे और ऐसा करते करते हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। समोसे जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम बाकी सारे समोसों को फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल कम फ्लेम पर समोसों को फ्राई होने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो ये हमारे गर्मा गर्म समोसे बनकर तैयार हैं। आप इसको इमली की चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मैं आपको नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।